आज है किसेम की ढोल की। जल्दी रखो गाड़ी में, जहाँ मेरी माथा पट्टी सेट हो रही है। सो आई एम इन लव विद दिस लुक। आज इतना ट्रैफिक था रास्ते। फाइनली हुसैन जो है वो आ चुके हैं। 1% टाइम नहीं मिल रहा मुझे मेरे दुल्हन के साथ। Assalamualaikum, this is me, Abhika Kashif Khan. Welcome back to my YouTube channel. It's another beautiful day. क्योंकि आज है रबीसेम की ढोल की। पिछला इवेंट था डांडिया नाइट का और ये वाला इवेंट है ढोल की नाइट का, जिसमें बहुत 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 मजा आने वाला है। खैर अभी मैं उठ चुकी हूँ, सलोन जा रही हूँ और इस दफा सलोन में जल्दी जा रही हूँ। सो लेट्स सी कि मैं कब तक फ्री होती, क्योंकि बेसिकली पिछली दफा भी बहुत लेट हो गया था, इतनी ज्यादा लेट पोस्टिंग हुई थी, फिर हमें दुख भी हुआ था। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर माय लुक, क्योंकि जो मेरा ड्रेस है ना, एकदम मेरी पर्सनल चॉइस का कलर है और ड्रेस मुझे बेहद हसीन लगता है। मैं जा रही हूँ अपने मोस्ट फेवरेट सलोन ज़किया रुकैया, और आज भी हम देखेंगे कि किस तरह का वो मेकअप करती हैं। सो अभी मैं फुली रेडी हो चुकी हूँ, तो जल्दी से निकलते हैं सलोन। ज्वेलरी है जो कि बेचारे इस बॉक्स में इस तरह से हो गई है, तो उसको सेट कर ड्रेस लेके जा रहा है। जल्दी रखो गाड़ी में। फाइनली टीम जो है वो आ चुकी है और अब असल में मेरी वीडियो कंटेंट की तैयारी हो रही है। अच्छी सी वीडियो बनाएंगे, देन उसके बाद ही मेकअप स्टार्ट होगा। सो यस, फाइनली मेरा मेकअप अब स्टार्ट होने लगा है। हमने दो वीडियो शूट की हैं, जिसका आफ्टर पार्ट आफ्टर लुक हम लोग शूट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। यहाँ पे मेरा मेकअप जो है वो ऑलमोस्ट हो चुका है, बस थोड़ा सा टचअप वगैरह रहता है। बाकी शर्ट मैंने पहन ली है, बाल अभी बनेंगे, लेकिन हमारा जो है वो लंच आ चुका है और ये मोहतरमा भी रेडी हैं एज यूजुअल। प्यारी लग रही हैं मेरे साथ हैं, हाँ एज यूजुअल मेरे साथ हैं और आप तैयार हैं। खैर जल्दी से नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद हेयर स्टाइलिंग करते हैं, फिर ऑल सेट। और जो मेरी बिंदिया है ना, बिंदिया नहीं माथा पट्टी, माशाल्लाह माशाल्लाह से ही माशाल्लाह बोल माशाल्लाह बोल दी, क्योंकि एंड होने वाला है। वेल मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि हुसैन का रिएक्शन कैसा होता है। पर मेरी हेयर स्टाइलिंग जो है वो इन प्रोसेस है, वेट फॉर द फाइनल लुक। बहुत ही क्यूट सी ब्रेड बनने वाली है। यहाँ मेरी माथा पट्टी सेट हो रही है, मैं थोड़ी सी गर्दन जो इसी तरह से रखनी ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और सच बताऊं गाइस, इस माथा पट्टी के पीछे जब एक दफा मैंने ये शूट पे लगाई थी ना पर्ल्स वाली, तब से मेरे माइंड में था कि जब भी मेरा कोई इवेंट होगा तब मैं ये लगवाऊंगी नई बनवा के। बकायदा ये पूरी ऑर्डर पे बनी है मेरे स्टाइल के मुताबिक और बेहद खूबसूरत तरीके से बनी है, और मेरी ख्वाहिश एक तरीके से पूरी हो रही है। मैं अपने ही इवेंट में इसी तरह का लुक कर रही हूँ, मुझे बहुत 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 प्यारा लग रहा है। बहुत नेचुरल मेकअप मैंने करवाया, क्योंकि मुझे बिल्कुल नो मेकअप लुक चाहिए था। अभी मैं थोड़ी सी लिपस्टिक लाइट करवाऊंगी, फिर हमारा ऑल सेट हो जाएगा। बिकॉज हमारी ज्वेलरी हैवी है, हमारा ड्रेस बहुत मतलब हैवी टाइप है, तो इसलिए इसके साथ इस तरह का मेकअप ही अच्छा लगता है। खूबसूरत पार्ट है ओवरऑल लुक का गाइस, आई जस्ट लव दिस। वेरी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इस तरह का कुछ करूंगी, लेकिन जो मेरा स्टाइलिस्ट है ना, उसने ही मेरे स्पेशली बनवाई, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू हसन। गाइस दिस इज द फाइनल लुक। जस्ट आपकी बहन ने लहंगा पहनना है, दुपट्टा सेट करना है, फिर ओवरऑल लुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को मेरे बैंगल्स का आइडिया हो ही गया होगा कि मेरे साथ इस ग्रीन के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन है। बहुत प्यारा लगता है ग्रीन के साथ ब्लू का कॉम्बिनेशन, तो इसलिए मैंने ब्लू करवाया। तो जब दुपट्टा सेट होगा ना, यू गाइस विल लव इट। This is the final look. Just look at my sharara. Oh my god! How beautiful the color is, the work is, especially this cute सी पोटली, साथ ही साथ जो ये लगा हुआ है ना इसके अंदर, ये बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है, प्यारा सा कुर्ता। In love with this look. और जिस तरह का मैंने डिजाइन किया था, सोचा था, एग्जैक्टली उसी तरह से आया, बल्कि उससे कहीं ज्यादा प्यारा। तो बस सारी चीजें डन हो गई हैं, ऑल सेट। अब बस जाके थोड़ा सा कंटेंट हम लोग बनाएंगे, फिर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर जो है हल्का फुल्का मेरा शूट होगा गाइज, और यहाँ पर लिया जाएगा शाउट आउट, और ये बहुत ही प्यारा सा रूम बना हुआ है,
मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगा है शूट। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पूरे पूरे डेढ़ घंटे बाद। इतना ट्रैफिक था रास्ते में, ऊपर से सैटरडे था तो ट्रैफिक की सूरत आपको पता ही है वैसे ही बहुत ज्यादा होता है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं। तो बस अब अंदर चलते हैं, बाकी सब भी ऑन द वे। बाकी आज मैंने अपनी फैमिली सबके साथ पिक्चर्स ली हैं, अब बस एंट्री करेंगे। एंट्री हुई एकदम धमाकेदार, एंजॉय किया, मजा आया, गिरी तो नहीं ना, हम सबकी दुआएं तुम्हारे साथ ही, कैसे गिरती। तो आपकी एंट्री हो गई है, बताएं कैसा फील हो रहा है। फील तो बहुत अच्छा हो रहा है, बस पहले मैं थोड़ा नर्वस था जैसे ही मैंने अपनी दुल्हन को देखा तो। हाय हाय माशाल्लाह, वैसे आज माशाल्लाह आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैं बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा खाना खाने का, जबरदस्ती खाना खिलाया जा रहा है। 1% टाइम नहीं मिल रहा मुझे, मेरी दुल्हन के साथ खाना खा रहे हैं, सबने खा लिया है, चाइनीज की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा जा रहा है, पिक्चर्स वगैरह बहुत हेक्टिक हो गया था सब। हमारी प्यारी सी मम्मा, प्यारी सी मम्मा प्लान किया ना मेरे लिए कुछ? नहीं प्रॉमिस नहीं की, ये झूठा का प्रॉमिस निकला ना गाइस, मैं बता रही हूं। प्रॉमिस प्लान नहीं की, वो लोग डांस कर रहे थे उसमें से एक या दो गाने में मैं डांस करूंगा। चले आप आके बैठे दुल्हा मियां, मैं आपके सर पे ही देखूंगा, देख ले बहुत प्यारा होगा। स्टार्ट करें दुल्हा वाले को छोड़ो, गई थी मेरी सारी दोस्त बैठे हुए, हाय डार्लिंग हेलो, बिल्कुल अच्छा किया आपने, इधर देखें जरा, हाय इधर देखें जरा, खूबसूरत लड़की, हेलो, बहुत प्यारा हेयर स्टाइल लग रहा है, वेरी गुड। एनीवेज गाइस यहाँ पे जो है वो सब बैठे हुए हैं, और एज यूजुअल सैंडरा को बहुत सारा ख्याल रखते हुए, थैंक यू फेवरेट सॉन्ग।
मुझे कहा था जब भी तुम्हारा इवेंट होगा मैं धमाल मचा दूंगा और बचा लिया। एक ही लाड लिया तो सब कर लेंगे, सब तोड़ेंगे फोटो, कुर्सियां फेंक दी मैंने पीछे। आपने बंदे उठा के नहीं फेंके सिर्फ लोगों ने। रुक जाओ फिर आखिरी तो बजरे बजरा है जानी क्यों नहीं बजेगा। वेडिंग के लिए आगे रवि का मांग नहीं है, बॉय से मांगी थी। हम इतने दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें गिफ्ट नहीं दिया। बहुत मजा आया, हर इवेंट हमारा ऐसे ही जा रहा है ऐसा ही। और हम दोनों की मेहनत जो है ना वो रंग ले आई है हर चीज पे, सारी चीजें तो रंग ला रही है। लेकिन एक बात है, एंजॉय बहुत ज्यादा करें हमने ब्लॉग और सारी चीजें, तो इसलिए ना आप लोग बाकी चीजों में लोगों के इवेंट में मतलब जो भी है ऐसा ही है। मतलब समझ नहीं आ रहा था किस तरह ब्लॉग को मैनेज किया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली दुल्हा दुल्हन ने इस तरह मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी हमने ट्राई किया, सब कुछ अच्छे से। इनकी पिक्चर कहाँ गिरी हुई थी बेटा? चमचम भी है। सैन की पिक्चर वाली परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी ये बताना परफॉर्मेंस? कल अपनी सास से बात कर लेना, बात कर ले मैंने कर ली थी, बहुत अच्छा हुआ माशाल्लाह माशाल्लाह। जो जिसने की है ना मतलब यहाँ पे लेके आ जाए यहाँ पे ले, और बाकी बच्चा जो छोड़े हमने जो परफॉर्मेंस की है ना मैंने सच में अनएक्सपेक्टेड, मैं सच में भूल गया था वरना एंड कर देता। लेकिन क्या, लेकिन बहुत 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 जबरदस्त किया ये गाना, मुझे बहुत इन्होंने ये जीत गई। सही है, मैं मानता हूँ और ये मैं मान गया। जो आगे वाला इवेंट है उसमें नहीं जीतेगा, दुश्मन बन गई, दुश्मन नहीं बना। लेकिन आई होप कि आप जो सोचे उससे बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगा करे, बहुत अच्छा करे। लेकिन फिर भी मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आपने आज एंड कर दिया। बाकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह लग रहा है हर इवेंट हमारा बहुत बहुत अच्छा हो। तो कमेंट सेक्शन में बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारे माशाल्लाह, और बस अल्लाह नजर बच्चे बताए, दुआ में याद रखिएगा क्योंकि आगे इवेंट है। और पता है जब खुशी का मौका होता है तो फिर नजरें और ये सारी चीजें लगती रहती हैं। तो आप लोगों को समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? चलो ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में बताएं थोड़ा कौन ज्यादा प्यार। आप जैसे स्टार्टिंग में थे अभी भी वैसे ही लग रहे हैं। 2000 years later. गाइस आप लोगों को सच बताऊं, ये जो वेन्यू हुआ था ना जब हम ये करने गए थे तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, मेरा मूड ऐसे ऑफ था। सिर्फ इस बंदे ने मुझे दिलासा दिया, कह रहा है तुम बस मुझ पे छोड़ दो, मैं ऐसा रुख बदलूंगा ना कि आपको पहचान में ही नहीं आएगा कि वही वेन्यू है। और वाकई यू डिड अ ग्रेट जॉब, पहचान में ही नहीं आ रहा था। और क्या गजब का सेटअप हुआ था, मजा ही आ गया, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने माशाल्लाह। सारी चीजें बहुत अच्छी थी, आइडिया सारी चीजें मैंने सोची यार ये नहीं, ये होना चाहिए। तो जिन्होंने डेकोरेशन की उनका भी थैंक यू सो मच, एम जी और एम जे एम जी इवेंट्स। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली थैंक्स टू ज़किया रुकैया, क्या माइंड ब्लोइंग मेकअप किया है, क्या जबरदस्त ब्रेड बांधी है। और आप लोग देख सकते हो इतनी स्वेटिंग के बाद, इतना डांस के बाद भी मेकअप इधर से उधर नहीं हुआ है, बहुत प्यारा मेकअप किया ज़किया रुकैया ने। एज यूजुअल मुझे उनका मेकअप हमेशा से पसंद है, जिस तरह का भी मैं कहती हूँ उसी तरह का वो करते हैं। आज मैंने उनको कहा बिल्कुल वन शेड पे आपने खेलना है और एग्जैक्टली वन शेड पे खेला है। आई जस्ट लव माई मेकअप, थैंक यू सो 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 मच। थैंक यू टू मजेदार हलीम जिन्होंने बहुत मजे का खाना किया, हर चीज बहुत मजे की थी। एक्चुअली इनका टेस्ट इतना अच्छा है कि सच में दिल चाहता है कि हर इवेंट में इन्हीं का खाना हो, बहुत वैरायटी है इनके पास। और खासकर सिटी लॉन का बहुत प्यारे एम्बियंस है, सेटअप बहुत प्यारा होता है। अगर आप लोग कभी कोई भी इवेंट आ रहे हैं तो आप लोग जल्दी जाके बुक कराओ। यहाँ पे मेरी ज्वेलरी उतर रही है और एज यूजुअल ये तो मेरी पार्टनर बन गई है गाइस, हर चीज़ में माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे साथ ही। ओफ हल्का हुआ, हाँ हल्का हुआ, यहाँ से हल्का हुआ।